अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अब हम बात करते हैं फ्लिपा की। फ्लिपा पे अगर आप डोमेन्स सेल करते हैं तो क्या तरीकेकार है और कैसे हम क्या इसके ऊपर हम परसेंटेजेस वगैरह को देखते हैं। तो जैसे डोमेन्स की बात करता है, देखें आप डोमेन्स इस पर लिस्ट कर सकते हैं फ्लिपा पे $10 में। फ्लिपा की एक क्विक ओवरव्यू दे दूं अगर आप नहीं जानते फ्लिपा को पहले से, तो flipa.com पे नॉर्मली लोग डोमेन्स और वेबसाइट्स और बिजनेसेस सेल करते हैं, बाय सेल बाय करते हैं। तो इसमें अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है, कोई अमेजोन का बिजनेस है, आपका प्राइवेट लेबल है, वो भी इस पर सेल कर सकते हैं। आपका होलसेल का बिजनेस है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आपकी वूकॉमर्स की, शॉपिफाई की वेबसाइट है, वो भी आप इस पर सेल कर सकते हैं। डोमेन्स भी, स्टार्टर वेबसाइट भी, एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ इस पर सेल नॉर्मली हो जाता है, लिस्टिंग अलाउ करता है। तो खैर, अब ये आपको बता रहे हैं कि लिस्टिंग फी क्या है इसकी। स्टैब्लिश वेबसाइट के लिए $49 चार्ज करता है, डोमेन्स के लिए 10 और स्टार्टर वेबसाइट्स के लिए 15 और एप्स के लिए भी 15। सक्सेस फी क्या चीज़ है, यानी कि अगर आपकी लिस्टिंग सक्सेसफुली सेल हो जाती है और फ्लिपा के प्लेटफॉर्म के थ्रू जब ये सेल होती है, तो अगर $50,000 तक की कीमत में कुछ भी सेल होता है तो ये 10% आपसे फी लेता है, यानी कि मैक्सिमम $5,000। और अगर 50 से 1 लाख के दरमियान होगा तो 7.5, 1 लाख प्लस होगा तो 5% पार्टनर ब्रोकर। अब ये फिर आप इसके किसी ब्रोकर को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं पार्टनर को, तो उस सिचुएशन में फिर इसकी फी 15% होती है हर हाल में। तो ये इसकी सक्सेस फी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक डोमेन इसके ऊपर बेच दिया फॉर एग्जाम्पल $500 का, तो ये 10% $50 ये आपसे चार्ज करेगा और $450 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सक्सेस फी है और इनिशियल लिस्टिंग के वक्त आपको $10 खर्च करने पड़ेंगे। अक्सर लोग गूगल से या कुछ दूसरे जो फोरम्स होते हैं तो वहां से इसके कुछ फ्री क्रेडिट्स और कूपन्स भी मिल जाते हैं, जिसमें डोमेन लिस्टिंग जो है वो आपको फ्री हो जाती है। खैर, तो अब हम ये बात करते हैं कि फ्लिपा पे आप डोमेन्स जो हम ये एग्जिस्टिंग सोल्ड लिस्टिंग्स को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे फ्लिपा पे मैं सर्च में आया हूँ, यहाँ से मैंने बाय एज लगाया और ये 10 से 15 साल हमने यहाँ पे लगा दी। अगर आप 15 प्लस करेंगे तो ये 15 प्लस की एज वाले डोमेन्स ले आएगा। फिर मैं यहाँ नीचे गया हूँ, स्क्रॉल डाउन किया है। अच्छा, यहाँ मैंने .com और .net पे भी चेक लगा रखा है। फिर मैं यहाँ नीचे गया हूँ और मैंने यहाँ से रिसेंटली सोल्ड पे चेक लगा दिया, ओपन पे हटा दिया, यानी कि मुझे ये देखना है कि पिछले डोमेन्स लोगों ने कितने कितने हिसाब से बेचे हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेली मोवर्स है, इस डोमेन की एज जो है वो 15 साल है। मोनेटाइजेशन कोई नहीं है, यानी कि अभी ना ही कोई ये डोमेन या कोई वेबसाइट है इसके ऊपर, ना ही कोई प्रॉफिट बना रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम है और इसने $275 का ये डोमेन यहाँ पर सेल किया है। ये रिसेंटली सोल्ड है इसलिए आपको बता रहा है और ये स्पॉन्सर्ड भी थी लिस्टिंग। अच्छा, एक्सप्लोर मिनियापोलिस 11 साल का $115, UCIH 10 साल का $204, लिविंग लाइफ सेविंग्स 13 साल का $210, $300, 15 साल, 14 साल $1,000, gosol.com। अब ये बहुत ही अच्छा डोमेन एक मिल गया है इसको, तो इसलिए इसने $1,000 का बेच दिया। sellweb.com 14 साल का $1,155, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये वर्थ है। अब आपको बहुत ही अच्छे डोमेन्स बाज़ औक़ात मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते, लेकिन रिसर्च जो है वो थोड़ी सी हमें करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा में आपको अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन डोमेन्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैं एक रिसेंट वीडियो पहले बना रहा था और उसके अंदर मैंने एक डोमेन रिसर्च करते वक्त ही देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने परचेज भी कर लिया। इवन दो मैं वीडियो बनाते वक्त मैं नहीं, ये माइंड में था कि मैं ये डोमेन देखूंगा या इस डोमेन को मैं परचेज करूंगा। इट वॉज जस्ट एन जस्ट जस्ट कोइंसिडेंस के मुझे वो नजर आया और मैंने सिखाते सिखाते इनफैक्ट वो डोमेन को परचेज भी कर लिया क्योंकि मुझे पसंद आया। तो बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स दैट आई लुक एट, तो अगर वो सेल होता है नहीं होता है वो बात की बात है। तो मैं यहाँ पे वो सारे डोमेन्स जो है अपने लिस्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इन सबको सेल कर सकता हूँ। $10 फी देने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ सस्ते भी बिके, जैसे ये रोज के एक सही सिर्फ $27 में, हो सकता है सेलर जो है वो ज्यादा डेस्परेट हो और उसे नहीं चाहिए, उसे निकाल दिया इसने में, लेकिन नॉर्मली इतने सस्ते भी डोमेन्स नहीं बिकते हैं। 185, 105, $20,
और 155, 105, ठीक है ना, 222। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखें क्यू के क्यू एक्स आई, अब वी नेवर नो इसका क्या मतलब है, लेकिन अब जिसने खरीदा होगा उसे पता होगा, फोर लेटर्स अलबत्ता है, छोटा डोमेन है। और वीजर डॉट कॉम, इससे बेसिकली आपको देखें एक और आइडिया भी होता है कि जो मैंने पहले बताया था कि जो जो डोमेन्स जितने छोटे उतने अच्छे, जितने कम कैरेक्टर्स होंगे उतने अच्छे, तो आपको यहाँ से देख के अंदाजा हो जाता है कि अच्छा जी ये वीजोर वैसे कोई इसका ज्यूरिक का इसके ऊपर बना दिया, वैसे वीजोर अब हो सकता है ओरिजिनली 13 साल पहले जब ये रजिस्टर हुआ था तो अब वो ज्यूरिक के लिए नहीं रजिस्टर हुआ था, लेकिन इस बंदे ने एक दिमाग लगाया, बस एक आइडिया लगाया कि जी चल चलो वीजोर को ज्यूरिक से मैच करा दो, तो उसने ये इस तरह इमेज बना के ज्यूरिक के ऊपर उसने वो लगा दिया, और किसी ना किसी ने ज्यूरिक से या कहीं से कुछ करना होगा तो उसने खरीद लिया। मोबाइल रिव्यूअर, एस्ट्रोनॉटिक 229, क्यू क्यू किम, ये देखिए ये छोटे क्यू के वाले एक डोमेन्स जो है वो 150-200 डॉलर्स के आसपास में हम सेल कर होते हुए देख रहे हैं। अब ये फुल वीपीएन 14 साल 500 डॉलर्स का, इस तरीके से ये डोमेन्स जो है वो फ्लिपा पे सेल हो जाते हैं। आप भी लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं और आप भी डोमेन्स लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं लोग ज्यादातर, क्योंकि स्पॉन्सर्ड में ऐसा लग रहा है कि वो बिक जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि स्पॉन्सर्ड से कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये वीजोर जो है वो बगैर स्पॉन्सर किए हुए 256 डॉलर्स का ऐसा सेल कर दिया, ये क्यू के क्यू वाला भी इसी तरह बगैर स्पॉन्सर्ड के सेल हो गया है। तो अच्छे डोमेन्स निकल जाते हैं, ज्यादा देर रुकते भी नहीं है, आप बिल्कुल इन सबको लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एज लॉन्ग एज योर बजट अलाउज तो बिल्कुल करें। एक डोमेन बिक जाता है अच्छे पैसों में 200-300 डॉलर्स को, उसको री इन्वेस्ट कर दें, वो पैसे को इस्तेमाल करने के बजाय उसको री इन्वेस्ट कर दें, उसको एडिशनल चीजों में लगा दें, तो आपका जो है वो मजीद बजट बढ़ जाएगा, आप और डोमेन्स अच्छे डोमेन्स खरीद लेंगे। अच्छा, इसी तरह हम अब आ जाते हैं, यहाँ ऊपर मेन्यू आपको नजर आ रहा होगा डोमेन्स का, इसमें बाय एज और 15 ईयर्स प्लस पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। पहले हमने 10 to 15 देखा था, अब 15 प्लस पे आ जाता हूँ। 15 प्लस पे आके यहाँ लेफ्ट साइड से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें और रिसेंटली सोल्ड पे चेक लगाएं और ओपन को चेक हटा दें। फिलहाल मुझे वो देखने हैं कि जो सेल हो चुके हैं कैसे सेल हुए हैं, कितने में सेल हुए हैं, किस तरह के डोमेन से, मैं ये देख रहा हूँ। तो अब आप ऊपर आ जाइए, देखें वेब फेयर डॉट कॉम 25 साल पुराना डोमेन है, 510 डॉलर्स का ये सेल हुआ है, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड गोल्फर है, अच्छा डोमेन है, 615 डॉलर्स, और ये कुछ खास नहीं ओल्ड एंड वाइज, क्योंकि एंड जो है वो बीच में जब आता है ना तो फिर थोड़ा सा डोमेन की डिवेल्यूशन हो जाती है, 136 डॉलर्स। कॉन्फ्रेंस डेस्क 666, मॉम्स गाइड, ये अच्छा डोमेन है, 24 साल पुराना, 3,000 डॉलर्स। इट्स मॉडर्न 18 ईयर्स, 450, ठीक है। यूरोलैक्स 18 ईयर्स, 805। सिंगल एंजल्स 17 साल, 200। तो बहरहाल अब आप ये देखें, लिस्ट गोज ऑन, चीप प्रिंटर्स डॉट कॉम 1,000 डॉलर्स। ये डोमेन्स आपको मिल जाते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि पड़े हुए हैं आप अभी ले लें, ऐसा नहीं है, ढूंढने पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन मिल जाते हैं। डोमेन्स का हमेशा ख्याल रखिए कि डोमेन्स जब हम खरीदते हैं तो कोई ना कोई सेंस बन रहा हो, 3-4 कैरेक्टर के डोमेन्स भी अच्छे बिक जाते हैं, 3-4 लेटर्स के डोमेन नॉर्मली अच्छे बिक जाते हैं वो भी, लेकिन बशर्ते कि फिर वो उसका कोई सेंस किसी के लिए तो बन रहा हो, आपके लिए ना बन रहा हो लेकिन किसी के लिए बन जाता है तो वो उसके लिए परचेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान कहते हैं तो ESP का सेंस हमारे लिए बनता है ना, ESP का अगर कोई डोमेन है तो उसका सेंस हमारे लिए बनता है, लेकिन शायद किसी और के लिए ना बने, तो हम उसे खरीद सकते हैं लेकिन शायद कोई और ना खरीदे। तो इसी तरीके से जो है इस तरह के डोमेन्स भी अक्सर बिक जाया करते हैं, लेकिन वो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में जाना पड़ता है। तो बहरहाल ये डोमेन्स की वैल्यूएशन बताने का मकसद था कि इस तरह से डोमेन सेल होते हैं, जो जितने लंबे होंगे वो उतनी उनकी कीमत जो है वो कम होगी, जो छोटे होंगे या उनके जो भी वर्ड्स हैं उसका मतलब अच्छा बन रहा है या कोई कीवर्ड है स्पेशली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, तो वो डोमेन्स जो हैं वो अच्छे प्राइस पे सेल हो जाते हैं।